हम वैसे अनहेल्दी आज नहीं खाने वाले थे, पर मैगी का नाम देख के ना भाई रुका नहीं गया। हे गाइस, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी शाम के बज रहे हैं, अरे कितने बज गए, 4:54। तो गाइस सीन ऐसा है आज सुबह से कि मैं रात को जल्दी सो गया था, सुबह मैं 8 बजे उठा, इतनी तेज़ सर में दर्द था ना, इतनी तेज कि सर मेरा सुन हो गया था, इतनी तेज था। मैं थोड़ी देर और सो गया भाई, फिर भी मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं है, मतलब समझ लो आप, उठने की हिम्मत हुई नहीं मेरी बेड से। 11 बजे तक उठा मैं बहुत हिम्मत करके, मुँह हाथ धोया, बाहर सामान लेके आया, फिर बहुत तेज़ दर्द, इतना दर्द कि अगर मैं खास रहा ना तो सर मेरा भन्ना आ रहा है, सुन पड़ जा रहा है, दर्द है मेरे। तो मैं सुबह से सो ही रहा हूँ, लेटा हूँ, मैंने बाम लगाया, दवाई ली, सब कुछ करा, पर आराम इतना सा भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पता नहीं एकदम क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बहुत तेज़ दर्द है सर में, इतना कि मतलब इतना है कि 2-3 बार तो मेरा सर सुन पड़ गया था, दर्द के बारे मेरा सर सुन ही पड़ गया 2-3 बार भाई। तो मैं सुबह से मैंने व्लॉग ही नहीं करा, तो मैं अब कर रहा हूँ व्लॉग स्टार्ट। ओ भाई, और ना मेरे थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन स्टार्ट हो गया, और फीवर भी हो रहा था, हल्का हल्का उतर गया थोड़ा सा, पर मेरे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है यार, सर में दर्द है, बुखार हो गया, पता नहीं कौन क्या हो गया। कल भी मेरे को व्लॉग डालना, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो गाइस तबीयत तो ख़राब होती रहेगी, ठीक होती रहेगी, पर व्लॉग करना तो छोड़ना नहीं है। तो कोई नहीं, थोड़ी हिम्मत करी मैंने, बेड से उठ गया मैं, पता है मैंने मुंह भी नहीं धोया सुबह से, इस चक्कर ठंड लग रही है भाई, बहुत तेज़ ठंड लग रही है, सर दर्द अभी भी है, बुखार हल्का सा है, पर बॉडी पेन ज़्यादा हो रहा है। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाहर चलता हूँ मैं, बाहर थोड़ा घूम के आता हूँ, माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, देखता हूँ जैसे भी रहेगा। सर दर्द पता है मेरे यहाँ से लेकर ये पूरा पीछे से लेकर, मतलब पूरा यू गोल सुन पड़ जाता है बार बार, इतना बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, बहुत तेज़ बना रहा है दर्द। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाहर चलते हैं, पार्क में बैठेंगे थोड़ी देर आराम से। मैं छत पे आया था व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, मतलब माइंड फ्रेश होगा ना इसलिए, चलो चलते हैं हम। तो गाइस बाहर तो आ गया मैं, पर भाई सर दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार, दवाई भी ले ली मैंने, दवाई लेके मैंने खा भी ली, बाहर से पानी लेके मैंने दवाई भी खा ली, पर आराम नहीं हो रहा। सोच रहा हूँ थोड़ी सी पहले चाय पी लेता हूँ, चाय पी के शायद थोड़ा आराम मिले यार, तो मिल नहीं रहा वैसे तो। तो गाइस मैंने मस्त ले ली चाय, पीछे से चाय पीते हैं आराम से पहले यार। तो गाइस चाय पीते पीते आराम से चलते हैं पहले पार्क में, वैसे अंधेरा होने वाला है, मेरे को आया पता है, बस आधा घंटा हुआ है, अंधेरा भी होने वाला है, वाह ठंड आ गई ना, तो अंधेरा जल्दी होता है। तो गाइस जैसे ही मैं थोड़ा आया ना, जो पार्क तक मेरे पीछे पार्क है उधर ही है, जैसे ही मैं आया पार्क तक अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा होने वाला है, 5 मिनट पूरा अंधेरा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं आने का, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ भाई, पार्क में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं, पूरा सुनसान पड़ा था पार्क में, तो वापस जा रहा हूँ अभी, तो फ़ायदा नहीं पार्क जाने का, अंधेरा ही हो गया, मतलब आधा घंटा हो मुझे बाहर आए, बस आधे घंटे में कहाँ रोशनी से अंधेरा ही हो गया, ठंड में ऐसे होता है। थोड़ी चलते हैं घर, देखता हूँ आज जिम जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो गाइस मैं घर तो आ गया, पर आज दीदी जिम में जा रही है, बोल रही मैं नहीं जा रही, मन नहीं कर रहा, सो रही हैं, शायद थक गई होंगी दीदी, पर यार अब थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक है मेरी, पर सर थोड़ा हैवी सा हो रहा है, दर्द ठीक है सर में मेरा, बुखार भी ठीक है, पर सोच रहा हूँ मैं जिम जाऊँ, पर यार थोड़ा सा ना एनर्जी फील नहीं हो रही यार, थोड़ी एनर्जी फील होगी तो जिम भी जाऊँ मैं अकेले, पता मन भी नहीं कर रहा आज, मन कर रहा दीदी के साथ जाऊँ, दीदी के साथ जाता हूँ ना हमेशा मैं, तो आज अकेले मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, दीदी उठती है तो बोलूँ चलो, उठ भी नहीं रही, उठाया मैंने, बोले मैनेजर कल जाऊँगी मैं सुबह, 2 बार चले जाऊँगी, मैं भी सोच रहा हूँ कल सुबह और शाम 2 बार चले जाऊँ फिर, क्योंकि आज की मेरी स्किप हो जाएगी, आज मंडे है ना तो स्किप हो जाएगी मेरी, और देखता हूँ अभी अकेले जाऊँगा या दीदी को उठाता हूँ, देख जैसे भी होगा बता दूंगा आपको मैं। पर गाइस आज पूरे दिन ब्लॉग ही नहीं बना भाई, मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर चले जाऊँ उससे बढ़िया। तो गाइस मैं ना थोड़ी देर सो गया था 1 घंटा, और दीदी भी उठ चुकी है, पर आज हम लोग जिम ही नहीं गए, मन नहीं कर रहा, एक तो हम सोच रहे हैं कल सुबह चले जाएंगे और शाम को 2 बार चले जाएंगे, कल दीदी हम कल 2 बार जिम चले जाएंगे, और अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाई, टचवुड अभी तो ठीक है, रात का पता नहीं, फिर अगर हो जाए सर में दर्द बुखार पता नहीं, पर मैंने भी दवाई ली थी ना शाम को, तो उससे मेरे को बहुत आराम है, आपको मेरे फेस से दिखाई दे रहा होगा, मैंने मुँह हाथ धो लिया, सब कुछ कर लिया, अच्छे से फ्रेश हो गया मैं। तो अभी दीदी और मैं जा रहे थोड़ा बाहर, रात हो गई 8 बज चुके, दीदी और मैं जा रहे थोड़ा बाहर घूमने के लिए, सुबह से व्लॉग करने के लिए हम कोई बाहर ही नहीं गए भाई, ये कर लिया आपने, अभी ठंड लग रही है देखो, तो सुबह से हम लोग कहीं बाहर निकले ही नहीं यार, मैं ही गया थोड़ा बहुत गया था पार्क, वो भी अंधेरा हो गया, तो चलते थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, बाइक पे चलेंगे, कुछ खा पी के भी आएंगे, चलो। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं फेज 2, और क्यों जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए, चलो घूमने के लिए, कुछ खाने के लिए,
बस शादियों का सीजन चल रहा है यार, पर हमारे पास ना शादी का एक भी कार्ड नहीं आया। पर बहुत मन है भाई शादी में जाने का दीदी, पर यार आता है तो हम जाते ही नहीं। ऊपर जब नहीं, पर जब अपनी फैमिली में से आते हैं ना शादी का कार्ड, हम जाते ही नहीं है या फिर नहीं जा पाते किसी रीजन की वजह से। और अब हम हो रहा है भाई कहीं शादी का कार्ड मिल जाए, किस अनजान का ही मिल जाए भाई, गलती से ही मिल जाए, बोले मटके मिल जाए, मिलता ही नहीं। टोपी पहन के अब चलते हैं, चलो हम लोग घूम ही लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ले रहे हैं व्हीट मोमोज। वैसे मोमोज हम खाते नहीं है, अनहेल्दी होते, पर व्हीट मोमोज बोल रहे हेल्दी होगा, हेल्दी है वो, उसमें होगा पनीर और ऊपर आटे के मोमोज, देखते खा के बोल है कैसा। खाते हैं क्या हुआ, पीछे देखो पीछे, ये वाली शॉप है पीछे, फेस टू में पॉकेट ई के पास, ई के पास पॉकेट ई है। तो गाइस हमारे मोमोज आ चुके हैं भाई, व्हीट मोमोज अलग शेप में नहीं दीदी, मस्त लग रहे हैं भाई, इनकी शेप अलग है, देखो गाइस इनकी ऐसी शेप है और इसमें भरा है पनीर, ये पनीर वाले व्हीट मोमोज गाइस, तो खाते हैं ऐसे। अब बताओ कैसे है, ओहो सूंघ के नशा कर दो, खा के बताओ कैसे है। मस्त है, मैं भी खाता हूँ भाई। तो गाइस हम लोगों ने मोमोज तो खा लिए हैं, बहुत अच्छे थे, मैंने पहली बार व्हीट मोमोज खाए और मतलब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, हाँ, और हैवी भी थे, ऐसा नहीं था कि बहुत छोटे छोटे से, शेप भी बहुत अच्छी थी। तो अब इसका मन है नान वगैरह खाने का, तो हम लोग वो खा रहे हैं, फिर देखते एक नान ले रहे हैं। तो गाइस नान ये है, ये कौन सब्जी, कढ़ाई पनीर और ये दाल और सैलेड आ चुकी है, देखने में मस्त लग रहा है दीदी, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं मोस्टेज कैफे में, ये देखो लिखा है ना पीछे नाम, और अगर लाइटिंग कितनी मस्त है वो, पूरे यहाँ से लेकर और पूरे यहाँ से पूरा एंड तक लाइटिंग कर रखी है इन्होंने, और यहाँ पर सब कुछ मिलता है जो मैं हेल्दी लेना को सब कुछ मिलता है। और हमने आप मैगी मंगाई है, देखो ये हमारी चीज़ मैगी भाई, इतना मन करा ना, हम वैसे अनहेल्दी आज नहीं खाने वाले थे, पर मैगी का नाम देख के ना भाई रुका नहीं गया दीदी, और दीदी ने मंगाया है, मेरा नाम ले देंगे अब तो, और फिर साथ में चाय भाई, तब मस्त मौसम हो रहा है, ठंड दीदी तो ठंड हो जाएगी इतनी मस्त वाली, जब मजा आया करेगा बैठे खाने में। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया, मज़ा आया, फिर एक चीज़ है मम्मी हमें डांटने वाली, क्योंकि अभी हमें घर पे खाना खाना है और वो खाएंगे हम कब, मैं नहीं खाऊंगी भाई वो पेट, अगर भाई दीदी ने नहीं खाया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। गाइस हम घर के नीचे तो आ गए, और ना हमारे गली में कुत्ता है, दिखाता हूँ आपको, ये कुत्ता है गली में, बड़ा मासूम सा है, दीदी ने इसका नाम रखा हुआ क्यूटी है ना दीदी, दीदी ने इस कुत्ते का नाम रखा हुआ क्यूटी, तो दीदी बोल रही है इसको देख के और तरस आ रहा है, तो उसके लिए कुछ खाने को ले आओ, ब्रेड लेके आए हम, मल्टीग्रेन ब्रेड, बताओ मल्टीग्रेन ब्रेड लेके आए हैं, खा ले रहा है। डैडी मैं कह रहा था कि दूध ले आते, दूध में खा लेता थोड़ा सा, दूध लिया दूध में खा लेता है, उसने तो खाया नहीं जो हमारे गली में कुत्ता है, हम जा रहे हैं अपने गली के बाहर खिलाने के लिए, शायद वो वाला खा ले दीदी, उम्मीद तो है थोड़ी सी। तो गाइस ये वाले कुत्ते भी नहीं खा रहे, ना वो खा रहा ना ये खा रहा, बेकार है भाई, पेट सबका पेट भरा हुआ है, यहाँ पर आते हैं गाइस तो सब इनको दूध पिला देते हैं ना, इनका पेट भरा हुआ है। तो गाइस मैं ऊपर आ गया घर पे और मैं दूध लेने आ गया, देखो ये तो शायद दूध पी ले, नीचे वाला कुत्ता जो गली में ना हमारे, दूध पिलेगा तो बढ़िया, रोज का दूध पिला दे करूँगा इस दोनों में, मैं उसको बर्तन निकाले अलग से, तो चलते हैं नीचे। तो रेडी ठीक है ब्रेड, अरे खा लेगा खा लेगा, दूध दूध में खाते हैं ब्रेड दीदी, आजा ये ले, दूध पी रहा है, देखो रेडी पी लेते हैं, देखो दीदी अब रोज आते खाना कि इस डॉगे में दूध देना, ठीक है खुश क्यों हो गए आप, खुश हो जाओ थोड़ा सा, इसको गर्म देंगे हम दूध अगली बार, यही सोच रहा था कि यही लेके आएंगे लाल वाला, दीदी ने पता है दीदी ने इस कुत्ते का नाम रखा है क्यूटी, ये तेरी याद दिलाती है, हद है भाई, लाल वाला डाल लेगा ना, क्योंकि थोड़ा सा ये थोड़ा कमजोर सा है, इसका मासूम चेहरा है ना, दीदी बोलती क्यूटी, कैसे देखता है मेरे को ऐसा आंखों से देखता है कि मुझे गर्म लेके आता है ना, गर्म, अरे सही है पी लेगा वो, नॉटी भी है तू, तूने ब्रेड नहीं खाई, तूने सिर्फ दूध पिया, महंगे कुत्ते हैं भाई, इनका मन करता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात दीदी, रोज पिला देंगे ठीक है, हाँ रोज पिला देंगे।
अब खा लिया उसने, अब चले गया वो खा के आराम से। चलते हैं, थोड़ा बच गए, इसको ये फेंक दो। अब ये इसका अलग से बन गया बर्तन, रोड इसको पिला दे करूंगा। आ जाओ, नहीं उसको घर छोड़ के आ रही हो, खेल रहे हो, घर तक छोड़ दिया बेटा, खेल रही है देखो उसके साथ, जा घर तक छोड़ दिया जाके, चलो डर रही है, चलो भाई। तो गाइस मैं घर पे आ गया, और सबसे बड़ी बात, वैसे हम जिम कर रहे हैं तो हम अनहेल्दी आजकल नहीं खाते हैं इतना, थोड़ा बहुत अगर चीट हो गया तो ठीक है, पर इतना अनहेल्दी मैंने पता है बहुत ज़्यादा खाया। ऊपर से खाया मैंने पहले चीज़ मैगी, इतना चीज़ था मैगी खा के पता है मेरा पेट नहीं भरा, यहाँ से हैवी लग रहा पता नहीं क्या खा लिया मैंने इतना हैवी। और उससे पहले मैंने एक नान खा लिया था, फिर वीट मोमोज खा लिए सबसे पहले हमने, उल्टा बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने खाया वीट मोमोज, उसके बाद हमने खाया नान एक, फिर हमने खाया चीज़ मैगी, फिर हमने एक बर्गर भी लिया तो वो मैंने दिखाया नहीं भाई, हमने इतना खा लिया अनहेल्दी, बहुत हैवी हो गया भाई, पेट नहीं भरा पर जी भर गया। तो गाइस मैं भी खाना तो खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा बस एक ग्रीन टी और सो रहा हूँ मैं भी, थोड़ी देर में सो रहा हूँ। ग्रीन टी नहीं होती, लेमन टी होती है, ग्रीन लेमन टी, लेमन टी, ठीक है। कौन निशान पड़ गया है किस चीज का, लेटा, अच्छा चादर का पड़ गया होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते जल्दी अपने न्यू ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय। एक नान ले रहे हैं, हमारा प्लान है कि थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ खाएं, तो देखते हैं जैसा रहेगा। मूठी लग रही है।